एलओसी के नजदीक बसे देश के आखिरी गांव माछल में हर तरफ देश प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए ये बच्चे बड़े होकर भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं और सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस इलाके में पहली बार सेना की मदद से एनसीसी कैंप शुरू हुआ है और ये बच्चे एनसीसी के कैंप शुरू होने से बेहद खुश हैं। मुझे एनसीसी बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। आगे क्या सोचा, आगे बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? फौजी बनना चाहता हूँ सर। क्यों फौजी? क्यों? बहुत अच्छा इंडियन आर्मी, मुझे फौजी भी, ये आर्मी भी सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मैं फौजी, क्योंकि आर्मी हमें बहुत सपोर्ट करती है और मुझे एनसीसी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन किया है। बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे? सर मैं आर्मी में बनना चाहता हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद से त्राल के इस गांव में हर तरफ बदलाव की हवा महसूस हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। गांव में सड़क बनने से लेकर पिछले दोनों हुए पंचायत चुनाव और आयुष्मान कार्ड मिलने की सुविधा से पूरा गांव काफी खुश है। यहाँ BDO साहब खुद आता है, खुद वो यहाँ प्लान बनाता है, उसके साथ सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पंचायत नहीं हुआ तो नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ तो अलग बात है, तो लेकिन काम होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से कि यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट हुए, जैसे हमारे रोड थे या हमारे गांव के जो कोचे थे, लाइटें लगाई है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, बहुत अच्छे तालीमी सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी डेवलप हो गया है कि हर गांव में हर जगह पे हमने देखे हैं कि स्कूल खुले हुए हैं। दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं से जम्मू कश्मीर में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब वो पूरी तरह से सेहतमंद हो, और अब जम्मू कश्मीर की सेहत को पूरी तरह से दुरुस्त करने की तैयारी भी कर ली गई है। जम्मू और कश्मीर सरकार वर्ल्ड बैंक की मदद से कश्मीर घाटी में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रही है। आपातकालीन मामलों में, खासकर कोविड इलाज के लिए, ग्रामीण इलाकों में लोगों को शहर आना पड़ता है और इस सफर में कईयों की जान भी चली जाती है। साथ ही कोविड महामारी के कारण शहरों के अस्पतालों में दबाव कई गुना बढ़ गया है, लेकिन अब गांव में रहने वाले मरीजों को इलाज के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा, उन्हें अब शहर जैसी चिकित्सा सुविधा अपने ही गांव में रहकर मिलेगी। वर्ल्ड बैंक से मिले 368 करोड़ रुपए की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा होगा।